तो हम लोग को बोले तो रिजल्ट रोक देंगे, इतना गिरे हुए टाइप का बात बोलते हैं। इसका कुछ मैनेजमेंट ही नहीं है, तभी इतना लेट होते जा रहा है। अभी तक फर्स्ट ईयर का रिजल्ट नहीं आया है सर, सोचिए अभी हम लोग का रिजल्ट कंपटीशन कंप्लीट हो जाना चाहिए इस टाइम में। 50,000 पे कर दिए अगर आप, ये ऐसा यूनिवर्सिटी जहाँ 50,000 क्या 10,000 क्या सब चीज़ लूट लिया जाता है, लेकिन मिलता क्या है? कुछ नहीं। जिंदगी बर्बाद की जाती है इस यूनिवर्सिटी में। बर्बाद करोगे ना, बर्बाद कर दो, हमको कोई दर्द नहीं। मम्मी पापा भी बार बार पूछते हैं कि कहाँ ले लियो यार, बस टाइम वेस्ट हो तो क्या किया है। उससे अच्छा है कि हम लोग उस यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ेंगे जहाँ का नाम भी है और काम भी अच्छा है। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे थे कि हम मौजूद हैं मौलाना मजरुल हक यूनिवर्सिटी में, जहां देख सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के ठीक नीचे आपको यंगस्टर्स दिखेंगे, यानी छात्र दिखेंगे, स्टूडेंट दिखेंगे, जो फिर से पहुंच गए हैं, अपनी मांगों को रखने आए हैं। फिर से भगाए जाएंगे, लाठी खाएंगे, कब तक लड़ेंगे? सेशन ना हो रहा है, ना एग्जाम हो रहा है, अब क्या करिएगा? सर लड़ना तो है आखिरी दम तक, जब तक हमारा प्रॉब्लम जो है, इश्यूज़ जो है सॉल्व नहीं हो जाता है। क्योंकि हम लोग जब जब आते हैं तो वर्डिक दिया जाता है, इस महीने में हो जाएगा, अगले महीने में हो जाएगा, जाइए हम कर देंगे, बस इसके अलावा कुछ नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ आश्वासन। जैसा कि आप पिछली बार भी आए थे, हम बताए थे, आप खुद देखिए उसे प्रोवीसी भाग रहे थे। जी जी, प्रोवीसी साहब बात नहीं करें, क्योंकि जो आदमी फैक्ट में बात करता है वो आप आँख से आँख मिला करके बात करता है, और जो जिसके पास फैक्ट्स नहीं होते हैं वो मीडिया क्या किसी से भी आँख नहीं मिला सकता है। वो तो हम लोग को बोले तो रिजल्ट रोक देंगे, इतना गिरे हुए टाइप का बात बोलते हैं कि रिजल्ट रोक देंगे। खैर रजिस्ट्रार साहब है नहीं, वो चले गए हैं, वीसी साहब से मीटिंग कर रहे हैं, तो उनको फोन करके हम लोग ये बता दिया था कि हम लोग तब तक बैठे रहेंगे यहाँ पे जब तक हम लोग यहाँ से उठने नहीं वाले, नहीं उठने वाले सर। सब कोई हम लोग सोचे में, चाहे एक दिन गुजरे चाहे दो दिन गुजरे, हम लोग का मांग का पूरा ही नहीं किया जा रहा। क्या चाहिए मांग? बहुत खाने में मन लग रहा, ना पढ़ने में मन लग रहा, तो हम लोग यहीं बैठ करके पढ़ेंगे लिखेंगे। और क्या जॉब? ग्रेजुएशन मिले कहाँ से? ग्रेजुएशन इज कम्पल्सरी फॉर एनी जॉब। ठीक है सर, ये तो आप जी जानते, हम लोग 12 बेस पे कौन सा सड़ा हुआ जॉब मिलेगा? 6,000-7,000 का जॉब लेके क्या करेंगे हम लोग? ऐसे ही नॉर्मल चलते फिरते उतना पॉकेट में पढ़ाई किए ये थोड़ी करनी। नहीं सर, बात सही है कि हम लोग सिर्फ वर्डिक होता है, कहने का मतलब है सिर्फ ऑन पेपर हम आज हम लोग लेकर के जाएंगे, ऑन रिकॉर्ड आप लेटर हेड पे दीजिए, जाए कुछ भी ऑफिशियल पेपर हमको लिख के दीजिए कि फलां डेट में आपका रिजल्ट या एग्जामिनेशन का आपको हम शेड्यूल दे देंगे, वहां पर आएंगे। आप बताइए नाम क्या हुआ आपका? उत्कर्ष मिश्रा मेरा नाम हुआ। जीवन में सोचे होंगे कि ये करेंगे वो करेंगे और इस यूनिवर्सिटी के चक्कर में सब जी इस यूनिवर्सिटी के चक्कर में हम अपना करियर का नया शुरुआत करने जा रहे थे, अपना स्टार्टअप डाले हुए हैं, जिसके चलते ना हम दिल्ली जा पा रहे हैं, ना अपना काम कर रहे हैं और ना पटना रह रहे हैं, तो यहाँ एग्जाम हो रहा है। कॉलेज में जाओ तो वहाँ से अलग धक्का खाओ, यहाँ आओ तो यहाँ से अलग धक्का खाओ। यूनिवर्सिटी और कॉलेज को बोला जाता है, हम लोग मैनेजमेंट के लिए इसमें एडमिशन लिए कि मैनेजमेंट पढ़ा जाता है, मैनेजमेंट पढ़ाया जाएगा ताकि आप अपने सिस्टम और अपने जो अपना बिजनेस या जो भी करना चाहते हैं उसका। ये लोग जो नेता हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, वो भी नहीं सुनते हैं आप लोग क्या? नहीं, कोई नहीं सुनता है। यूनिवर्सिटी को बोला जाता है मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी है, लेकिन हमको शायद लगता है कि यूनिवर्सिटी का खुद मैनेजमेंट मिस है, इसका कुछ मैनेजमेंट ही नहीं है, तभी इतना लेट होते जा रहा है। 18 से अब तक सर लेट है, समझ लीजिए आप 18 से। जी, बीए वाले का और भी बहुत सारे फैकल्टी का। चलिए, आप जीवन में करना क्या चाहते थे? हमको तो भरना था बिहार पुलिस का फॉर्म। बिहार पुलिस का फॉर्म भरना है? दिखने से लग भी रहा है कि मेहनत करते हैं, मेहनत बेकार। क्या कीजिएगा, 8-9 महीनों के रिजल्ट नहीं मिला अभी तक। बहुत बार चक्कर लगाते हैं, क्या करिएगा? क्या करो, तो बस धरना पड़ेगा, और क्या चीज। धरना भी मुझे लग रहा है कि आप लोग लाठी भी खा चुके हैं, क्या करिए? लाठी तो नहीं खाए लेकिन खाना पड़ेगा तो वो भी खाएंगे, क्या करेंगे? लाठी खा लेंगे। क्यों नहीं खाएंगे सर, इतना वडी खा रहे हैं तो लाठी भी खाएंगे। लाठी क्या सपना था? जी मेरा तो हायर एजुकेशन का सपना था, लेकिन वो अभी चूर होता हुआ दिखता जा रहा है। घर में क्या बोलते हैं मम्मी पापा आपके? मम्मी पापा भी बार बार पूछते हैं कि कहाँ ले लियो यार, मतलब कि कोई अच्छा यूनिवर्सिटी तुमको ढंग से चूज करना चाहिए था, ये तो हमको ही ऊपर सुनने को मिल जाता है। क्या बोलेंगे, बस कहाँ जा रहे हैं, बस यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, अभी तक रिजल्ट नहीं आया, अभी तक तो नहीं आया। आप क्या पिताजी मम्मी? वो तो क्या बोले सर, वो तो बोलते हैं कि नाम कटा के दूसरे यूनिवर्सिटी में ले लो, उससे अच्छा है। लेकिन टाइम जो वेस्ट हुआ, बस टाइम वेस्ट हो तो क्या किया है, उससे अच्छा है कि हम लोग उस यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ेंगे जहाँ का नाम भी है और काम भी अच्छा है। मम्मी पापा क्या बोलते हैं? मम्मी पापा बोलते हैं कि पढ़ने भी जाते हो कि नहीं, या नाम भी लिखवाए हो कि नहीं, शक करते हैं हम ही पे शक। चलिए क्या करिएगा, यहाँ बोल रहे हैं कि जाएंगे नहीं आज जब तक लिखित में नहीं मिलेगा। बैठे देंगे सर, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, बैठे रहेंगे। आज नहीं जाना, आप लोग आते हैं, आश्वासन दिया जाता है। 6 बार आ चुके हैं सर होटल, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। जॉब तो कर नहीं पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे सर, कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या कहेंगे? और घर बर्बाद कर दिया इसने, करियर बर्बाद कर दिया। अभी तक फर्स्ट ईयर का रिजल्ट नहीं आया है सर, सोचिए अभी हम लोग का रिजल्ट कंपटीशन कंप्लीट हो जाना चाहिए इस टाइम में, सेशन हम लोग का इस टाइम। दर्द बस आप समझ सकते हैं, देखिए जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, जो भी लोग देख रहे हैं, ये दर्द आप लोग भी नहीं समझ सकते, मैं भी नहीं समझ सकता हूँ, ये जो लोग यहाँ पे खड़े हैं वो समझ सकते हैं, क्योंकि इनका टाइम हुआ है, टाइम दिए हैं, पैसा दिए हैं, हर चीज दिए। पैसा तो दिए होंगे सर? दिए, सेकंड ईयर का पैसा भी ले चुके हैं। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर मिला के कितना लगा? 10,000 से ऊपर चला। 10,000 ऊपर आपका?
मेरा भी सर रिलीज कर रहे थे और अभी सुबह से मैं देखता हूँ यार हर दिन कोई ना कोई आता है अलग अलग शिकायत लेके, ऐसा क्यों? शिकायत बहुत ज्यादा शिकायत है तब ना आता है कि बस आप लोग और भी लोग आते हैं। इन लोगों को चाहिए था कि भाई लग भग के जैसे भी हो बच्चे का फ्यूचर जो बचाया जाए, सिर्फ वर्डिक देते, इनके पास थोक के भाव है वर्डिक, आओ और आश्वासन लेके जाओ। हम तो बोल रहे हैं हमको किसी से डर नहीं है, चाहे वो प्रोवीसी देख रहे हो मेरा वीडियो, चाहे रजिस्ट्रार देख रहे हो, वीसी साहब तो आते ही नहीं है, वो तो पटना यूनिवर्सिटी में, उनको इन्फॉर्मेशन यहाँ से दिया जाता है, फाइल तक जाती है। तो हो सकता है कि आपको और दिक्कत हो? कोई दिक्कत नहीं है भाई, बर्बाद करोगे ना बर्बाद कर दो, हमको कोई डर नहीं है। ऐसे भी है, हाँ नेक्स्ट ईयर में दूसरा एडमिशन ले लेंगे, दूसरा एडमिशन लेंगे। क्या नाम? यूजीसी तक जाने का प्लान है सर, यूजीसी तक पहुंचेंगे हम लोग। मेरा है, मेरा लिंक है यूजीसी। हम चाह रहे हैं कि भाई यूनिवर्सिटी का नाम उतना नहीं हो, लेकिन ये लोग चाह रहे हैं खराब हो जाए नाम, तो फिर ठीक है किया जाएगा, वो भी काम किया जाएगा। नाम क्या? मेरा नाम सत्यम रंजन है। तो आश्वासन लेके जाइएगा या लिखित लेके जाइएगा? ट्राई तो आज कर रहे हैं कि लिखित में मिल जाएगा कम से कम, वैसे तो ज्यादा परसेंटेज नहीं है देगा, आएगा ही नहीं। पूरी हो जाएगी सर, हम लोग चले जाएंगे, हम लोग का कोई इंटेंशन ऐसा नहीं है कि हम लोग बैठ करके यहाँ पे किसी और मकसद, बस सर एग्जाम और रिजल्ट और कुछ, और यहाँ से कुछ चाहिए भी नहीं, रिजल्ट और एग्जाम चाहिए और कुछ नहीं। चलिए कि आप कुछ कहना चाहेंगे? हम लोग तो मार्च से ही दौड़ रहे हैं, पहले तो सेकेंड ईयर के लिए दौड़े और 6 महीना। नाम क्या आपका? रवि कुमार। रवि कुमार, उसके बाद की डिग्री के लिए आप दौड़ रहे? बीबीए। बीबीए, हाँ। हम लोग अभी तक का 3 साल का फी पूरा पेड कर दिया, और लगभग 50,000 पे कर चुके हैं। यस, 50,000 पे कर दिए हैं। अगर आप 50,000 कहाँ? 50,000 सर उनका बिलीस है, तो जाहिर सी बात है फैकल्टी अलग है तो उनका फीस भी अलग रहेगा। 50,000 जा रहे हो चाहे 5,000, सर आपका फ्यूचर बचाना आपका काम है, आपके यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, आप सोचिए कि क्या आपका बेटा या बेटी जो भी यहाँ पढ़ रही हो तो आप उसके साथ भी यही ट्रीट कर रहे होते? जाहिर सी बात है नहीं कर रहे होता, आप तो यहाँ अपने बच्चे को डालेंगे भी नहीं, क्योंकि आप जान रहे कि मेरा परफॉर्मेंस खराब है मेरे यूनिवर्सिटी का। जब जो चीज़ आप अपने लिए नहीं चाहते हैं वो दूसरे के लिए कैसे आप चाह सकते हैं? चलिए, आपके माँ बाप क्या कहते हैं जब आप यहाँ आते हैं, जब आप घर जाते हैं? माँ बाप तो जब पैसा का मांग डिमांड होता है वो लोग तो दे ही देते हैं, तो अब जो पैसा दे देता है वो तो अब खोजेगा ना भाई डिग्री, कि आपका डिग्री क्या बनना चाहते थे आप? अभी तो हम लोग हायर एजुकेशन के लिए जा रहे थे, अभी तो इंट्रांस वगैरह निकाल के बैठे हुए हैं लोग, और इसका डिग्री ही नहीं मिला। तो फिर पिताजी क्या करते हैं आपके? पिताजी फार्मर हैं, और क्या किसान के बेटे हैं। हाँ, तो इंट्रांस वगैरह। आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पास बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन। आपके पिताजी? किसान है। किसान है। किसान है। किसान। आपके पिताजी? फार्मर है सर। फार्मर। आप किस डिग्री के लिए रुके हुए हैं? सर मैं बीएड के लिए डिग्री के लिए रुका हुआ हूँ। कितने दिन से दौड़? मैं बहुत दिन से लगभग 1 महीना से दौड़ रहा हूँ, अभी तक इसका ना फॉर्म भरा है ना रूल रेगुलेशन, इससे बढ़िया एक यूनिवर्सिटी है, इसका रूल रेगुलेशन बहुत ही खराब है, इसका ना टाइम पे फॉर्म आता है। कहना चाहेंगे जो भी आपके? बिल्कुल कहना चाहेंगे सर कि इसका चाहिए हमको कि टाइम पे कुछ बोलता है कोर्स करवा दे, टाइम पे डिग्री दे दे। मैंने यहाँ से बिलिस भी किया है, अभी तक ना इसका डिग्री मिला है ना मार्कशीट मिला है, कुछ भी नहीं मिला है। इससे बढ़िया तो बहुत पुराना यूनिवर्सिटी है, इनका रूल रेगुलेशन बहुत ही खराब होते जा रहा है। चलिए देखिए, एक ऐसा यूनिवर्सिटी जहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत परेशान हैं, आज साफ कह दिए कि आज आश्वासन नहीं, आज लिखित में चाहिए। देखिए आपको दिख रहे होंगे ये स्टूडेंट जो हैं वो यहीं पे बैठेंगे और साफ कह दें कि ये ऐसा यूनिवर्सिटी है जहाँ 50,000 क्या 10,000 क्या सब चीज़ लूट लिया जाता है, लेकिन मिलता क्या है? कुछ नहीं, ज़िंदगी बर्बाद की जाती है इस यूनिवर्सिटी में। आप एक बार इस यूनिवर्सिटी को गौर, और छात्रों का क्या कुछ कहना था, मांग क्या कर रहे हैं वो भी आपने सुन लिया। बस देखना यह है कि आज इनको आश्वासन मिलता है या लाठी मिलता है, या वीसी प्रो वीसी जो भी है उनको यहाँ से धक्का मार के भगाते हैं, क्या मिलता है, या फिर इनको जो हक है वो मिलता है, देखने की बात होगी। लेकिन साफ कह रहे हैं कि आज हम लोग यहाँ से जाने नहीं वाले हैं जब तक इनको इनका हक नहीं मिल सकता। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।